हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टूर गाइड। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में नॉर्थ ईस्ट की एक गोल्डन टूर प्लान लेके आया हूँ। गोल्डन क्यों है? क्योंकि इस टूर प्लान के अंदर आप दार्जिलिंग, गैंगटॉक, पेलिंग, रावांगला, नामची, ये सारे जगह एक साथ घूम सकते हो, वो भी अपने टाइम के अंदर, मतलब अपने पास जो टाइम है उसी टाइम के अंदर एंड अपना बजट के अंदर। तो इस वीडियो में आप लोगों को पूरा टूर प्लान समझाऊंगा, कैसे आप जा सकते हो, कहाँ कहाँ घूम सकते हो, मतलब क्या क्या देख सकते हो, कहाँ स्टे करना होगा, कहाँ लंच करना होगा, कहाँ डिनर करना होगा, सब कुछ इस वीडियो में, एंड कितना बजट होगा, कितना कॉस्ट होगा, कितना दिन टाइम लगेगा, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स में समझाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, एंड जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, क्योंकि ऐसे टूर रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए इसी चैनल में ही मिलेगा। तो चलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस प्लान का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 7 डे 6 नाइट। तो ये जो 6 नाइट है ना, ये 6 नाइट की दो दो करके 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा, मतलब तीनों जगह आपको स्टे करना पड़ेगा। पहले 2 नाइट दार्जिलिंग में स्टे होगा, बीच का जो 2 नाइट है वो पेलिंग में स्टे होगा, एंड आखिरी जो 2 नाइट है वो गैंगटॉक में स्टे होगा। तो पूरा टूर प्रोग्राम का जो पहला दिन है ना, वो पहला दिन आप NGP से डायरेक्ट दार्जिलिंग जाएंगे। सुबह NGP से निकलते हुए दार्जिलिंग तक जाना है, दोपहर तक आप दार्जिलिंग पहुंच जाओगे, दार्जिलिंग में जाके लंच होगा। तो पहला दिन आपका डेस्टिनेशन होगा NGP टू दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में लंच, एंड लंच के बाद आप पूरा फ्री एंड आप पैदल मेल रोड एंड उसके साथ साथ महाकाल मंदिर घूम सकते हो। 2 पॉपुलर जगह है, 2 आप घूम सकते हो पैदल नाइट स्टे दार्जिलिंग में। तो सेकेंड डे आपका प्रोग्राम होगा दार्जिलिंग का साइट सीनिंग। दार्जिलिंग में आप साइट सीनिंग में जो जो जगह देख सकते हो और देखना चाहिए वो है टाइगर हिल, बतासिया लूप, घूम मोनास्ट्री, दार्जिलिंग जू, रॉक गार्डन, हैप्पी वैली टी एस्टेट। ये सारे जगह आप कंफर्टेबली, बहुत ही आराम से आप देख सकते हो पूरा दिन में। तो दूसरे दिन में लंच होगा दार्जिलिंग में, एंड नाइट स्टे भी दार्जिलिंग में, मतलब डिनर भी दार्जिलिंग में ही होगा। तो थर्ड डे आपका प्रोग्राम होगा दार्जिलिंग से पेलिंग तक का। ये पेलिंग जब आप जाएंगे ना भाया, आप नामची चार धाम एंड उसके साथ साथ रावांगला बुद्ध पार्क होके आप पेलिंग जाना। तो ये जो प्रोग्राम है ये पूरा दिन का प्रोग्राम है। सुबह दार्जिलिंग से चेकआउट करके आप पहले जाएंगे नामची चार धाम के लिए। तो ये 2 से 2.5 घंटा टाइम लगेगा आपको, एंड बीच में आप लोगों को मिलेगा तिमिटी गार्डन। तो तिमिटी गार्डन बहुत ही अच्छा प्लेस है, यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता के आप सीधा चले जाना चारधाम पर। चारधाम बहुत ही अच्छा प्लेस है, यहाँ पर भी टाइम लगेगा आप लोगों को घूमने के लिए। तो चारधाम में आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो, एंड उसके बाद आपको वहाँ से डेस्टिनेशन होगा चारधाम से रावांगला बुद्ध पार्क तक। ये 1 घंटा टाइम लगेगा जाने के लिए। आप बुद्ध पार्क जाके वहाँ पे दोपहर तक बुद्ध पार्क पहुँच जाओगे, एंड वहाँ पे जाके बुद्ध पार्क एंजॉय करना, एंड वहाँ पे बुद्ध पार्क में आपका थर्ड डे का लंच होगा। उसके बाद आप पेलिंग तक जाना, तो पेलिंग आप शाम तक पहुँच जाओगे। तो पेलिंग जाने के बाद पेलिंग में नाइट स्टे, एंड अगले दिन मतलब डे 4 आपका जो है प्रोग्राम का वो पेलिंग का साइट सीनिंग है। तो पेलिंग में साइट सीनिंग में बहुत सारे जगह है, 7-8 जगह आप एक दिन में आराम से घूम सकते हो, जैसे सिंगसुर बीच, जैसे ग्लास बीच, रिम्बी वाटरफॉल्स, कंचनजंगा फॉल्स, ये सारे जगह आप घूम सकते हो। एंड पेलिंग के साइट सीनिंग के बारे में, दार्जिलिंग के साइट सीनिंग के बारे में अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, एंड ऊपर आई बटन में भी क्लिक करके आप ये दोनों जगह का अलग अलग वीडियो है मेरे चैनल। लंच पेलिंग में होगा, नाइट स्टे भी पेलिंग में होगा डे 4, एंड मतलब डिनर भी पेलिंग में ही होगा। तो अगले दिन मतलब डे 5 में आपका डेस्टिनेशन होगा पेलिंग टू गैंगटॉक, डायरेक्ट पेलिंग टू गैंगटॉक। दोपहर तक गैंगटॉक पहुंच जाओगे, एंड उसके बाद गैंगटॉक में लंच करना, एंड लंच के बाद पूरा फ्री, लंच के बाद आप पैदल शाम को MG मार्ग बहुत अच्छे तरीके से घूम सकते हो। तो डे 6 में आपका प्रोग्राम होगा गैंगटॉक टू छांगुलेक, बाबा मंदिर एंड नाथुला पास। ये तीनों जगह घूमने के लिए लगभग पूरा दिन लगता है, सभी को पता है, मतलब कैसे आप जा सकते हो, कैसे घूम सकते हो, ये सब कुछ सभी को पता है। अगर नहीं पता है तो आप पिछला जो वीडियो है वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर देख सकते हो, वहाँ पे मैं कैसे ये जगह घूम सकते हो उसके बारे में डिटेल में बात किया था। तो ये 3 जगह डे 6 का आपका प्रोग्राम होगा। शाम को आप फिर से MG मार्ग पर घूम सकते हो, एंड उसके बाद अगले दिन डे 7 में आप
सीधा सीधा गैंगटॉक टू एनजीपी चले जाएंगे अपने प्रोग्राम के आखिरी दिन। तो यहाँ पर आप एनजीपी जाने के टाइम, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो गैंगटॉक का लोकल साइड से दो तीन करते हुए आप एनजीपी तक जा सकते हो, या आप डायरेक्ट भी एनजीपी जा सकते हो। ये आपके बजट के ऊपर एंड आपके जो ट्रेन का टाइम है घर फिरने का, उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज कर लेना। तो ये गया 7 डे एंड 6 नाइट का बहुत ही अच्छे तरीके से घूमने का, ये सारे जगह एक साथ का एक पॉपुलर प्लान। तो ये जो प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम में टोटल कॉस्ट आएगा एनजीपी टू एनजीपी तक का कितना, देखिए पार्ट पार्ट करके कितना कॉस्ट होगा ये आप लोग अगर जानना चाहते हो तो ये सारे जगह के लिए पार्ट पार्ट करके वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप वहाँ पे जाके वीडियो चेक कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। एंड तो इस प्रोग्राम में टोटल आपका कॉस्ट होगा 10,000 to 11,000, मतलब इस कॉस्ट के अंदर आपका लोकल घूमना, साइट सीनिंग करना, कार रेंट, होटल रेंट एंड उसके साथ साथ खाना पीना सब कुछ मिला के 10,000 to 11,000 आपका कॉस्ट आएगा एनजीपी टू एनजीपी तक का। तो उम्मीद करता हूँ इस प्लान आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना एंड उसके साथ साथ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो एक साथ इतने सारे जगह घूमने के लिए जाना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय दोस्तों।